Now the chapter number 2, my family, मेरा परिवार. Family क्या होती है? वो लोग जो एक ही घर में एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से related होते हैं, उन्हें हम family कहते हैं. जैसे हम घर में रहते हैं, हमारे साथ हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन सब एक साथ रहते हैं, तो हम सब क्या हैं? एक फैमिली है. वी आर रिलेटेड टू ईच अदर. फैमिलीज में बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं किसी ना किसी रिलेशन से. जैसे कि आपके फैमिली में आपके दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, ये सब लोग होते हैं. तो अब मैं आपको उन रिलेशंस के बारे में बताऊंगी. माई फादर्स फादर इज माई ग्रैंड फादर. मेरे पापा के पापा मेरे क्या लगते हैं? ग्रैंड फादर मतलब दादा लगते हैं. माई फादर्स मदर इज माई ग्रैंड मदर. मेरे पापा की मम्मी मेरी क्या लगती हैं? दादी लगती हैं. माई फादर्स ब्रदर इज माई अंकल. मेरे पापा के भाई मेरे क्या लगते हैं? अंकल. अगर आपके पापा के भाई उनसे छोटे हैं तो वो आपके चाचा लगेंगे. अगर वो आपके पापा से उम्र में बड़े हैं तो वह आपके ताऊजी या फिर बड़े पापा लगेंगे. माई अंकल्स सन्स एंड डॉटर्स आर माई कज़न. मेरे अंकल की जो बच्चे हैं, मेरे अंकल के बेटा और बेटी क्या लगेंगे? मेरे कज़न्स लगेंगे. माई अंकल्स वाइफ इज माई आंट. मेरे अंकल की वाइफ, वाइफ मतलब पत्नी, मेरी क्या लगती है? आंट. अगर छोटे भाई की पत्नी है तो वो आपकी चाची लगेगी, और आपके ताऊजी या बड़े पापा की जो वाइफ है वो आपकी ताईजी या फिर बड़ी मम्मी लगेंगी. नाउ आई विल टेल यू सम फैमिली मेम्बर्स. ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, अंकल एंड आंट, ये सब कौन होते हैं? हमारे फैमिली मेंबर्स. दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची या फिर ताऊजी और ताईजी, ये सब कौन है? हमारे फैमिली मेंबर्स हैं. सन डॉटर कज़न. सन मतलब बेटा बेटी, कज़न्स मतलब आपके अंकल और आंट के बच्चे आपके क्या लगते हैं? कज़न्स लगते हैं. नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज. विच टाइप ऑफ फैमिली डू यू लिव इन. आपको ये बताना है कि आप किस तरह की फैमिली में रहते हैं. जॉइंट फैमिली या फिर न्यूक्लियर फैमिली. जॉइंट फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे भी हमारे साथ रहते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली जिसमें मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं. तो आपको इसमें टिक करना है कि आपकी फैमिली कौन से टाइप की फैमिली है. द नेक्स्ट वन, डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद यू. क्या आपके दादा दादी आपके साथ रहते हैं? If yes, then you will tick on yes. अगर वो आपके साथ नहीं रहते, then you will tick on no. Do you obey your parents? क्या आप अपने parents का आदर करते हैं, उनकी respect करते हैं? Yes, we should respect our parents. हमें अपने parents की और अपने से बड़े सबका आदर करना चाहिए. Now one activity. Draw a tree and paste the pictures of your family members on it to mark a family tree. आपको एक family tree बनाना है. आप एक A4 size color sheet लेंगे, उस पर एक बहुत सुंदर सा tree draw करेंगे, और उस पर आप अपने family members की passport size photo लगाएंगे. Now some memories. We should always give regard to our elders. हमें हमेशा अपने बड़ों को आदर सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े
हमें बहुत सी अच्छी बातें बताते हैं, तो हम सबको उनका कहना मानना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए।